नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते श्रवण कौशल भाग दो में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है मक्खी का लोभ। आपको इस कहानी का श्रवण एकाग्रता से करना है और पूछे गए सवालों के सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद दे रहा था। अचानक व्यापारी के हाथ से छूटकर शहद का बर्तन गिर पड़ा। बहुत सा शहद भूमि पर धुलक गया। जितना शहद व्यापारी उठा सकता था उतना उसने ऊपर ऊपर से उठा लिया, लेकिन कुछ शहद भूमि में गिरा रह गया। बहुत सी मक्खियां शहद की मिठास के लोभ से आकर उस शहद पर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी वे उसे चाटने लगी, जब तक उनका पेट भर नहीं गया। वे शहद चाटने में लगी रही। जब मक्खियों का पेट भर गया उन्होंने उड़ना चाहा, लेकिन उनके पंख शहद से चिपक गए थे। उड़ने के लिए वे जितना छटपटाती थी उतने ही उनके पंख चिपकते जाते थे। उनके सारे शरीर में शहद लग जाता था। बहुत सी मक्खियां शहद में लोटपोट होकर मर गई। बहुत सी पंख चिपकने से छटपटा रही थी, लेकिन दूसरी नई नई मक्खियां शहद के लोभ से वहां आती जाती थी। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वे शहद खाने का लोभ छोड़ नहीं पाती थी। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लोभ में पड़ जाते हैं वे इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद का थोड़ी देर का सुख उठाने के लोभ से अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर छटपटाते हैं और शीघ्र मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अब जल्दी से इस कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हल कीजिए। धन्यवाद।